हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बाबा। मैं आपका ओम राउत। आज का वीडियो जो JEE के बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में JEE का पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए उसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो अच्छे से कर लेते हैं लेकिन आखिर में वो पेपर के टाइम गड़बड़ कर देते हैं। तो किसी भी पेपर को कैसे अप्रोच करना है अच्छे से, कभी कभी ऐसा हो जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा, पहले आपने क्वेश्चंस कर लिए, बहुत टाइम लगा, फिर बाद में पता चला पेपर के बाद कि लास्ट वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आपको पता है JEE में तीन सब्जेक्ट रहते हैं, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ओके, और इच सब्जेक्ट हैज़ 25 क्वेश्चंस, तीनों में 25 25 25 क्वेश्चंस रहते हैं। तो अगर देखा जाए सबकी डिफिकल्टी लेवल अगर मैं सेम ही मानूं तो इसके लिए अगर देखा जाए तो वन आवर देना चाहिए। नॉर्मली बच्चे यही सोचते हैं लेकिन यहीं पे थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। देखो यहाँ पे आप ऐसा समझिए कि टोटल जो क्वेश्चन है वो है 75। JEE ये नहीं देखता कि आपने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, JEE ये देखता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपने करेक्टली सॉल्व किए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लेते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की तरफ जाना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा। तो जब भी पेपर आता है तो आप पूरे क्वेश्चंस कभी रीड मत कीजिएगा, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है क्योंकि समझ में नहीं आता पहला क्वेश्चन में कौन सा लो। तो वन बाय वन लीजिएगा, सबसे पहले आप फिजिक्स लीजिए, देन केमिस्ट्री लीजिए, देन मैथ्स लीजिए, जो भी आपका सिक्वेंस रहे, है ना। तो मान लेते पहला क्वेश्चन आपने लिया, तो पहला क्वेश्चन अगर आपको तुरंत आता है जो कम टाइम लेता है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है यार मैं इसका जवाब तो एक मिनट में निकाल सकता हूँ, तो तुरंत उसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन को तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है, 1, 2 और 3। उसमें से फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको तुरंत आ रहे हैं और उसका सोल्यूशन आप विद इन ए सेकेंड निकाल सकते हो, मतलब विद इन 40-50 या फिर 1 मिनट में। दूसरे क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जो आपको आ तो सकते हैं लेकिन वो टाइम ले सकते हैं, तो इसको आप साइड में रखिए पहले, है ना। मान लेते 75 क्वेश्चंस आपने देखे और 75 क्वेश्चंस में थे आपने 30 क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में सॉल्व कर दिए, भाई इजी लगे, कम टाइम में हो गए। फिर बाद में मान लेते उसमें से 20 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपको आने वाले थे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपने 20 क्वेश्चंस टिक करके अलग से रख दिए और बचे कितने, 30 + 20 = 50, मतलब कितने बचे, 25 क्वेश्चंस। जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे वो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जिनके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये डिफिकल्ट है, मेरे को अभी तो नहीं आ सकते, इसको साइड में लेके इसको लास्ट तक आपको टच नहीं करना है, पहले इस क्वेश्चन के ऊपर आपको अटैक करना है। सबसे पहले ये जो है जो कम टाइम ले रहे उस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, उसके बाद जो मतलब आते तो हैं लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहे उसको अप्रोच करना है। तो इसके बाद अगर मान लेते दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व हुए तो फिर क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है, आपको 25 में से जिसके बारे में थोड़ी आइडिया है या फिर थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। इससे ऐसा हो जाएगा कि सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन है वहां तक आप पहुंच पाओगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपको आ सकते हैं। इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कम होने के चांसेस है, इसलिए ये मेथड मुझे लगता है सबसे कारगर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका JEE का काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन हुआ होगा। ऐसी ही एग्जाम रिलेटेड वीडियोज अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।